हॉरर कहानियां थी। खूनी गुड़िया, वो आवाज। आधी रात का वक्त हो चुका था। पड़ोस वाले घर से फिर से किसी बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देने लगी और साथ में उसी घर में रहने वाली देवकी नाम की औरत की लोरी गाने की आवाज भी। यह आवाज सुनते ही राधिका डर से थर थर कांपने लगी। उसने जल्दी से गहरी नींद में सोए अपने पति केशव को जगाया। केशव, उठो, देखो ना, फिर से किसी की लोरी गाने की आवाज आ रही है बाजू वाले घर से। क्या हुआ राधिका, क्यों परेशान हो रही हो? अरे कोई आवाज नहीं आ रही है यार। लेकिन अभी बस 2 मिनट पहले तो देव की लोरी गा रही थी और एक बच्चा रो रहा था। अरे कोई मूवी देख रहा होगा, उसकी आवाज होगी। देवकी और उसके पति मोनिश ने बताया ना कि उनके बच्चे नहीं होते, उस घर में कोई बच्चा नहीं है। अब ना तुम भी सो जाओ और मुझे भी सोने दो। लेकिन अभी बस 2 मिनट पहले तो देवकी लोरी गा रही थी और एक बच्चा रो रहा था। राधिका हैरान थी कि आवाज सिर्फ उसे ही सुनाई क्यों देती थी। लेकिन जब उसके पति केशव ने उसकी बात नहीं सुनी तो वो सोने की कोशिश करने लगी। लेकिन राधिका के कानों में किसी छोटी बच्ची के हंसने की आवाज गूंजने लगी। राधिका बुरी तरह से डर गई थी। अगली सुबह, मैं दुकान जा रहा हूँ, आज माल खत्म हो रहा है दुकान में। इन दिनों पता नहीं क्यों लोग जमकर खिलौने खरीद रहे हैं। आज बड़े बाजार जाकर सारे खिलौने ले आता हूँ। आप रात होने से पहले आ जाएंगे ना? लगता है तुम देवकी से अभी तक डरी हुई हो। अच्छा ठीक है, देखो घर के पीछे वाली गैलरी में मत जाना, क्योंकि वहां से तुम्हें अक्सर देवकी नजर आती है और तुम ना फिर डर जाती हो। ठीक है केशव, मैं आज उधर जाऊंगी ही नहीं। जब भी उधर देखती हूँ कुछ डरावना ही नजर आता है। केशव दुकान चला जाता है। तभी अचानक राधिका को याद आता है कि घर की गैलरी में उसने कुछ कपड़े सुखाए थे। डरते हुए वो वहां जाती है। दूसरी तरफ देवकी की गैलरी नजर आती थी। राधिका जैसे ही कपड़े लेकर वापस आने को पलटती है, उसकी नजर सामने देवकी की गैलरी में पड़ी। वहां एक 4 साल की बच्ची खड़ी होकर उसे घूर रही थी। हे भगवान, ये कौन है? कौन है ये? मैं इससे पूछूं कि इसका नाम क्या है? हाँ, पूछ लेती हूँ, फिर केशव को बताऊंगी। वो मेरी बात पे भरोसा नहीं करते ना। बेटा कौन हो तुम? हाँ, तुम्हारा नाम क्या है? गुड़िया। तभी अचानक वहां पर देवकी आती है और वो बच्ची गायब हो जाती है। क्या हुआ, आप किससे बात कर रही थी? वो यहाँ पे मैंने एक लड़की को देखा था, वो कौन थी? कहाँ गई वो अभी? कौन लड़की? मैंने कहा ना मेरे घर में कोई बच्चा नहीं है। मैंने देखा था, वो यही थी। वो आपके पीछे कौन है? राधिका को फील होता है कि किसी ने उसे धीरे से पुकारा, आंटी। राधिका पलट कर देखती है तो वहां वो छोटी बच्ची खड़ी थी। राधिका चीख कर बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो केशव उसके पास खड़ा था। क्या हुआ राधिका, राधिका होश में आओ। वो तो भला हो देवकी जी का, जिन्होंने तुम्हें बेहोश पड़ा देखकर मुझे कॉल कर दिया और मैं घर आ गया। तुम उस गैलरी में गई ही क्यों? केशव, वो लड़की यहाँ आ गई थी और वो देवकी, वो ठीक औरत नहीं है। तुम पागल हो गई हो राधिका, आज देवकी जी ने ही मुझे तुम्हारे बारे में बताया। क्या सोचती रहती हो, अरे कोई नहीं है उस घर में। अगले दिन केशव के दुकान जाते वक्त, मैं भी आज आपके साथ चलूंगी। अच्छा ओके ठीक है, चलो चलो। दुकान पर पहुंचकर, वाओ केशव, कितने सारे नए खिलौने, और ये इस पैकेट में क्या है? अरे एक बड़े साइज की डॉल है, मार्केट में नई आई है, सोचा अगर लोग खरीदेंगे तो अगली बार और ऑर्डर कर दूंगा। क्या मैं देख लूं इस डॉल को? हाँ देख लेना, मैं जरा माल लेने बड़े बाजार जा रहा हूँ, तुम दुकान संभाल लो
और आराम से बैठकर खिलौने देख लो, ठीक है? केशव दुकान से चला जाता है। तभी कुछ देर बाद देवकी दुकान पर आती है। कैसी हो तुम? तुम यहाँ क्या लेने आई हो? गुड़िया। गुड़िया? मेरा मतलब तुम गुड़िया का क्या करोगी? तुम्हारे घर में तो बच्चे। तुम मुझे गुड़िया दिखाओ, बस बड़ी वाली गुड़िया। राधिका घबराती हुए बड़ी डॉल का पैकेट खोलती है। बिल्कुल ऐसी ही डॉल चाहिए, आज वो खुश हो जाएगी इसे देखकर। कौन कौन खुश हो जाएगी? देवकी अजीब नजरों से राधिका को देखती है और बिना कुछ कहे पैसे देकर चली जाती है। उसके जाने के बाद राधिका शॉप के अंडरग्राउंड में नए टॉयज का मॉल चेक करने जाती है। वहां बच्चों का एक झूला था। राधिका ने देखा कि वो झूला हिल रहा था, जैसे अभी अभी कोई वहां से उतरा हो। राधिका को किसी छोटे बच्चे की आवाज आती है। कौन है वहां? वही छोटी लड़की जो देविका के घर दिखी थी राधिका के सामने आ जाती है। आंटी, मुझे गुड़िया चाहिए, वो बड़ी वाली। मेरे पास कोई गुड़िया उड़िया नहीं है। बड़ी गुड़िया चाहिए मुझे, दे दो, नहीं तो मैं ये सारे खिलौने जिंदा कर दूंगी और फिर वो आपको मार डालेंगे। कौन हो तुम? मैंने कहा ना, नहीं है मेरे पास बड़ी गुड़िया। अभी तो थी ना, कहाँ गई? वो देवकी ले गई अपने साथ। अभी जाओ और मेरी गुड़िया लेकर आओ। बर्रा। उस छोटी लड़की के नाखून बड़े हो जाते हैं और पैर उल्टे, वो बहुत ही खौफनाक दिखने लगती है। नहीं नहीं, देखो मैं अभी जाकर तुम्हारी गुड़िया लाती हूँ, तुम यहीं रुको। नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, कहीं तुम भाग गई तो। राधिका शॉप से निकलकर तेज स्पीड में सड़क पे चलने लगती है। उसने पलट के देखा तो वो लड़की साए की तरह उसका पीछा कर रही थी। राधिका देवकी के घर पहुंचती है। दरवाजा खुला था, राधिका अंदर गई, वहां कोई नजर नहीं आया, बस सामने वो गुड़िया रखी थी। राधिका चुपचाप गुड़िया को उठा के वहां से आने लगती है। पीछे से आवाज आती है, रुको, ये क्या कर रही हो? मेरी गुड़िया कहाँ ले जा रही हो? देखो देवकी, ये गुड़िया मुझे ले जाने दो, वरना वो लड़की। ओह, तो उसने तुम्हें डराया? उसे तो मैं बुलाती हूँ। गुड़िया, जरा यहाँ आना बेटा। मम्मा, क्या हुआ? मेरी लाडो गुड़िया को बहुत पसंद है, देखो ना, 10 साल की हो गई, अब तक डॉल से खेलती है। ये तो वही लड़की है, और ये 10 साल की नहीं, 5 साल की है। हाँ, लेकिन जब उस कार एक्सीडेंट में मर गई तब 5 की थी, अब तो 10 की हो गई है ना। मतलब ये मेरी बेटी है और मरने के बाद भी मेरे साथ है। इसे ना लोरी सुन के ही नींद आती है और डॉल्स इसे बहुत पसंद है। राधिका बुरी तरह से घबरा के भागती है। भागती भागते मेन रोड पे आ जाती है, वहीं उसका एक्सीडेंट होता है और उसकी मौत हो जाती है। उधर राधिका की मौत के बाद केशव को पास वाले घर से बच्चे के रोने और लोरी गाने की आवाज़ सुनाई देने लगती है।